नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। बीते दिन जहां करीब 30,000 नए केस दर्ज किए गए थे, वहीं बीते 24 घंटों के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 40,000 को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 42,015 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 3,998 मरीजों की जान गई है। नए मामलों के बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,12,16,337 पहुंच गए हैं। इनमें से अब तक 4,18,480 मरीजों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार कर गया है। बीते 24 घंटों में 36,977 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक बार फिर से कम हो गई है, जिससे एक्टिव केस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में अब 4,07,170 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में रिकवरी रेट की बात करें तो ये 97% के पार है, तो वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 3% के नीचे बना हुआ है। राज्यों की बात करें तो केरल में कोरोना फिर से टेंशन देने लगा है। यहाँ कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। केरल में पिछले 25 दिन के बाद सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को यहाँ बीते 24 घंटे में 16,848 नए संक्रमित पाए गए। इस दौरान 104 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 6,910 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 147 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह तमिलनाडु में बीते दिन 1,904 नए कोरोना केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 30 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में 1,464, बंगाल 752, उत्तर प्रदेश में 69, दिल्ली 44, गुजरात 29 और मध्य प्रदेश में मंगलवार को बीते 24 घंटों में 19 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।